छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए कई वादे किए हैं। रायपुर में इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र 15 साल के अनुभव का निचोड़ है। उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह के 15 साल के शासन की सराहना करते हुए कहा है कि बेहतर प्रशासन से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को करीब करीब खत्म करने में सफलता मिली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बीते 15 वर्षों में राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नए छत्तीसगढ़ के निर्माण करने का चुनाव है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी राज्य में चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी। छत्तीसगढ़ का 2018 का चुनाव बाकी सब राजनीतिक दलों के लिए जीतने हारने का चुनाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का चुनाव है। जनादेश जन आशीर्वाद से हमें भरोसा है कि हम चौथी बार सरकार में आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि जिस पार्टी को नक्सलवाद में क्रांति दिखाई देती हो वो छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। जिस पार्टी को नक्सलवाद के अंदर क्रांति दिखाई पड़ती हो, नक्सलवाद क्रांति का माध्यम दिखाई पड़ता हो, वो पार्टी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने के अनुरूप राज्य सरकार नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लघु सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को 1,000 रुपया का पेंशन, अगले 5 वर्षों में किसानों को 2,00,000 नए पंप कनेक्शन देने की योजना, दलहन तिलहन किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था, लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल उन्नयन बेरोजगारी भत्ता, 200 करोड़ रुपये के उद्यमिता मास्टर फंड की स्थापना। बीजेपी के संकल्प पत्र में पत्रकार कल्याण बोर्ड के गठन करने का वादा किया गया है। महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए 2,00,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। 12वीं तक सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें और वर्दी भी दी जाएगी। मेधावी छात्राओं को यातायात में सुविधा के लिए निशुल्क स्कूटी देने का वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण करने का भी वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ को जैविक खेती के प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से प्रयास करने की बात कही गई है। इसके अलावा सबको 2022 तक आवास मुहैया कराने का भी ऐलान किया गया है। जिला अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी बनाने के साथ ही अंबिकापुर और जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का वादा किया गया है। रायपुर से नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।